नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर मैथ का अगला सेशन पढ़ेंगे। हम लोग इक्वालेटरल इक्वालेटरल ट्रेंगल के बारे में पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोसेलिस के बारे में, है ना। आइसोसेलिस ट्रेंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या है आइसोसेलिस ट्रेंगल। अब आइसोसेलिस ट्रेंगल को हम लोग हिंदी में कैसे समझते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या है सम द्विबाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं इसको, सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज से आप समझ सकते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं, इस परिभाषा से समझ सकते हैं। सम मतलब बराबर, क्या होता है बराबर, सम मतलब बराबर, द्विबाहु मतलब दो, आप बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा, इसी से आप समझ सकते हैं। यानी दो बराबर भुजा को हम लोग, दो बराबर भुजा वाली त्रिभुज को क्या बोलते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब इसको समझिए, मैं फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें एक हमारी यह भुजा, एक ये भुजा, यह दो भुजा बराबर हो गई, यह एक डिफरेंट होगी। इसका मतलब यहाँ जो कोण अल्फा होगा, यहाँ भी अल्फा होगा, यह भी कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसका नामकरण करें ए बी और सी, तो यह एक सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तथा दो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब बात आती है कि इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे कैसे, हम लोग जो वन डे एग्जाम में पूछता है वो कैसे कैसे फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का, क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अब देखिए इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट कर लेते हैं कि डिनोट हम लोग किस चीज़ से करेंगे। जैसे ई क्या हो जाएगा ए, ई ए क्या हो जाएगा बी, अर्थात यह ऐसे समझ सकते हैं जो समान भुजा वाली है, समान साइड की है, बराबर साइड की है, वह हमारी ई वाली है, और डिफरेंट जो है वह बी है। क्या है, डिफरेंट जो है बी है। तो यह फॉर्मूला, अगर एरिया का हम लोग फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर एरिया की, अगर हम एरिया से लेकर अगर देखें, एरिया की फॉर्मूला लिखें हम, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लिखें, तो क्या होता है बी बाई फोर, ठीक है, और रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बात आती है कि यह ए क्या है और बी क्या है। तो ए जो होगा वह समान भुजा की लंबाई होगी, बी जो होगा वह असमान भुजा की लंबाई होगी। क्या होगी, बी जो होगा वह असमान भुजा की लंबाई होगी। अब बात आती है इसका हम लोग हाइट कैसे निकालेंगे, क्या है हाइट या पेरीमीटर, पेरीमीटर नहीं लिख रही, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो टू ए प्लस बी हो जाता है। अब इस कैसे होता है, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है सभी भुजाओं का योग होता है, तो ए क्या हो जाएगा टू ए, और ये बी जुट जाएगा सब, क्योंकि पेरीमीटर मतलब परिमाप, वो सभी भुजाओं का योग होता है, तो टू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हाइट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हाइट क्या होता है, हाइट को हम लोग कैसे इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो हाइट जो होगा, अब इसको पहले हाइट को आप समझिए, हाइट जो होगा वही होगा यह होगा। तो हाइट जो होता है वही हमारा इसका क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर हो जाता है, यह हमारा क्या होता है 90 और भी 90, अर्थात यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या कर देता है, बराबर कर देता है, क्योंकि हाइट दो भुजाओं या समद्विबाहु त्रिभुज को दो बराबर भुजाओं में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। यह ध्यान से समझने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, और वैसे को वैसे ही लिख देंगे, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एग्जाम में जो वन डे एग्जाम में जो क्वेश्चन आती है, मैट्रिक में चाहे जो भी कंपटीशन एग्जाम में, इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन आती है। तो हम पहले थ्योरी बता रहे हैं, क्या है हमारा थ्योरी है, यह हमारा थ्योरी है ना, थ्योरी है। तो इसको पहले थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे, है ना। तो और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें अगर मान लीजिए सर्कम सेंटर डाल दिया जाए, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या है, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, है ना। तत्काल में इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। एक हम समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलिस ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी,
अब इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हाइट हो जाएगा तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इन सर्कल रेडियस क्या होता है, इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल का रेडियस क्या होगा। अगर इसमें हम एक ब्रिक डाल दें ऐसे, ऐसे एक क्या करें, एक सर्कल डाल दें, एक ऐसे हम सर्कल डाल दें, एक ऐसे सर्कल डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो केंद्र होगा, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ और यहाँ, यह हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इसी को हम लोग इन रेडियस बोलते हैं। आई इसको हम लोग इसको लिख ही देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल बोलते हैं। और इसको हम लोग इन रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं, इसको हम लोग इन सर्कल बोलते हैं और इसको इन रेडियस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको हम लोग लिखें फॉर्मूला, तो इन सर्कल, इन इन रेडियस का फॉर्मूला अगर लिखें तो यह होता है बी रूट अंडर टू ए माइनस बी और टू ए प्लस बी, क्या हो जाता है हमारा, यही हमारा क्या हो जाता है, इन रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, इन रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान देना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। अगर इसको आप इस पर नहीं रखते हैं तो यह हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ई है यहाँ ए, यहाँ से यहाँ क्या है ए, और ये हमारा बी भुजा है अर्थात यह। तो बस यही करना है आपको, क्या करेगा, वह ए और बी का वह भुजा दिया रहेगा, आपको इस पे रख देना है और यहाँ पे टू से भाग करना है, सॉरी यहाँ पे टू से भाग करना होगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे टू से भाग करना होगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, इन रेडियस निकल जाएगा, या क्या हो जाएगा, इन रेडियस निकल जाएगा। अर्थात अब इसका फॉर्मूला आपको कैसे याद कीजिएगा, बी इंटू रूट अंडर टू ए माइनस बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू, क्या हो जाएगा हमारा, इन रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोगों से पूछ देगा कि सर्कुल सेंटर का रेडियस बताइए, अर्थात अगर इसको हम लोग ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, यह हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा कहलाएगा सर्कुल सर्कल, यह कहलाएगा सर्कुल सर्कल, क्या कहलाएगा, सर्कुल सर्कुल सर्कल कहलाएगा। तो जब यह सर्कुल सर्कल कहलाएगा तो यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको मिलाएं, ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा हमारा, यह क्या कहलाएगा हमारा, सर्कुल रेडियस कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, सर्कुल रेडियस कहलाएगा, यह कहलाएगा हमारा सर्कुल रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो सर्कुल रेडियस को हम लोग बड़ा आर से, आयन रेडियस को हम लोग छोटा आर से डिनोट करते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जब इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें, जब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हुए इसको हम लोग यह फॉर्मूला हमने आपको इक्वालिटी ट्रायंगल में ही बता दिया था। तो अगर इसको हम आर ऐसे लिखें तो यह ए बाटा टू इंटू साइन थीटा, अर्थात यहाँ जो कोण बनेगा वही हम लोग यहाँ पे थीटा के रूप में लिख देते हैं, क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा है दोनों कोणों का योग, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अर्थात साइन ए हम लोग यहाँ ज़्यादा करके अप्रोप्रिएट रहेगा, यहाँ साइन ए ही लगा दें, क्योंकि यही हमारा थीटा होगा ना, यह हमारा साइन थीटा ए हो जाएगा। अब जो भी आपका सर्कुम रेडियस आपसे पूछ देता है, सर्कुम रेडियस, ठीक है, तो सर्कुम रेडियस जब भी पूछेगा तो हम लोग ए क्या करेंगे, ए भुजा को ऊपर रखेंगे और टू इंटू साइन ए, अर्थात यहाँ का जो कोण, जो भी कोण होगा यहाँ पर रख देंगे वो, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, हमारा यह सर्कुम रेडियस निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्कुम रेडियस निकल जाएगा। अब इसमें क्या है, कभी कभी इस पर प्रॉब्लम भी पूछा जाता है, तो अगर आपसे एरिया पूछ दिया तो वन बाई टू आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, या आप साइन ए बोल लीजिए, क्या हो जाएगा, वन बटे टू आर स्क्वायर साइन थीटा ए, साइन ए बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है तो कुछ ऐसे बन रही है, यानी समकोण त्रिभुज जैसा बन रही है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यही ना होता है हमारा, तो वन बटे टू आधार गुणे शीर्ष लंब, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वह कोण को लिख देंगे थीटा का मान,
और आर स्क्वायर जो आएगा उस पर हम लोग रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका हमारा एरिया निकल जाएगा। तो मैंने थ्योरी इस पर जितने भी प्रॉब्लम पे थ्योरी था वह सभी मैंने डिस्कस कर दिया। इस पर एक और थ्योरी आता है कि कभी कभी क्या होता है कि राइट एंगल पे हमारा क्या है, राइट एंगल भी कभी कभी क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। क्या होता है, राइट एंगल जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो जाता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड जो राइट एंगल होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तत्काल इतना ही रहने देते हैं, थ्योरी जो है समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल पे इतना ही है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और इस पर प्रॉब्लम और जो हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसको भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना।